बिसमरिम यह का नमद उ नस् भैयाओ आपके कमेंट्स के रिक्वयरमेंट के मुताबिक कुछ लोग कहते थे कि मस्जिद गरीब हो और ग्राउंड uh, फ्लोर हो हमें सीढ़ियाँ न चढ़ी पड़े उनके लिए मैं लाया हूँ पाँच मरल का घर यह पाँच मरले का पूरा फ्लोर है जिसमें तीन बेडरूम है और ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये किचन है टी वी लॉन्च में ये ये सेकेंड हैंड जो है फ़्लैट है लेकिन ये पाँच मरले का फ्लैट है तो ये कैबिनेट वगैरह इसके बने हुए हैं और ये कम्प्लीटली ये देखें टी वी लॉन्च है और ये मैंने जैसे आपको कहा था कि आप कह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर हो गाड़ी से उतरे और हम घर चले जाए ठीक है जी थी? गाड़ी की ऊपर पार्किंग है और ये देखें ये बिल्कुल रोड के ऊपर है ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी ये बिल्कुल रोड के ऊपर है वो सामने मेन रोड है वो गाड़ी खड़ी है ट्रैफिक जा रही है और ये बिल्कुल रोड के ऊपर है और ये इसकी इंटरेस्ट है तो जो भाई सीढ़ी नहीं चढ़ सकते ये प्रॉब्लम है और वैसे भी ये कमाई के लिहाज से भी बेहतर है ये गीज़र वग़ैरह इसके लगे हुए हैं या इंटरनेट टेलीफोन वगैरह ये लगा हुआ है ये सामने मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो हर सहूलत यहाँ मौजूद है गैस का बिजली का पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं मीटर सब लगे हुए हैं इसके ये हर वाशरूम के साथ ये जो है ये गैस वाले जो है गीज़र ये लगे हुए हैं तो इसकी इनकमिंग जो है अगर आप इसका रेंट पे देना चाहते हैं तो ये हमारी गारंटी के साथ आपको माशाल्लाह जो रेंट है इसका सीज़न में दस हज़ार आठ हज़ार रुपये फी कमरा ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए और आजकल भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और दूसरे नंबर पे अगर इसमें आप पार्टीशन करना चाहें दो बही करना चाहें तो यहाँ आप पार्टीशन इसकी कर सकते हैं उसका दरवाज़ा क्योंकि बाहर इसका फ्रंट फ्रंट बहुत ज़्यादा है तो बाहर इसका दरवाज़ा सेपरेट भी कर सकते हैं तो ये यह आप यहाँ से हाफ भी कर सकते हैं यानी ढाई ढाई मरले का भी कर सकते हैं तो ये इसका मास्टर बेडरूम है इसमें ऑलरेडी तीन बेडरूम लगे हुए हैं इसमें ये फ्रिज भी रखा हुआ है एहतियातन और ये हीटर वगैरह लगाए हुए हैं और पीछे इसके ये वेंटिलेशन है गली ये दरवाज़ा खुल जाएगा और ये एलसीडी वगैरह लगी हुई हैं और इसका ये देखें जी ये काफ़ी बड़ा बेड इसका लगा हुआ है और ये आगे स्टोरेज की स्पेस है ये अलमारी बनी हुई हैं और वो आप पर्दा हटाएँगे तो आगे गली का इसका व्यू है तो इसका ये वाशरूम है अटैच वाशरूम है काफ़ी खुले खुले और बड़े बड़े वाशरूम है और जितनी प्राइस में आपको इसकी बताने वाला हूँ तो आप इस प्राइस में तो आप बहुत खुश होने वाले हैं अभी इसकी बड़ी मकूल प्राइस है और ये देखिए जी ये मास्टर मास्टर बेडरूम है और ये कमरे का साइज़ आप देख लें इसको आप दो कमरे भी बना सकते हैं और जहाँ से मैंने कहा है कि इसकी पार्टीशन भी कर सकते हैं इसका दरवाज़ा आप यहाँ से आहदा भी निकाल सकते हैं तो ये सर ये इसका टी वी लॉन्च है अगर एक फैमिली ने इस्तेमाल करना है तो एक फैमिली भी रख सकती है तो ये बिल्कुल रोशन घर है हर जो भी पर्दा हटाएंगे तो साथ आगे इसका व्यू है जंगल का व्यू तो नहीं है ये दूसरा व्यू है लेकिन है कि इतने रेट में फिर इस तरह की ऑप्शन जो है वही आपको मिल सकती है माल रोड के बिल्कुल करीब है तकरीबन कोई डेढ़ सौ फुट डेढ़ सौ मीटर की फ़ासला है और सिविल हॉस्पिटल नज़दीक है इसके ना। तो ये एक वाशरूम भी इन्होंने टी वी लॉन्च में भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें टोटल जो है ये ये तीसरा बेड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीसरा बेड है इसका इसमें भी इन्होंने डबल बेड लगाया हुआ और ये छोटी सी एल सी लगाई हुई है कुछ थोड़ा सा इसमें काम होने वाला ये, ये है ये अलमारियाँ वग़ैरह ये दी हुई हैं और क्योंकि ये सेकंड हैंड है तो आप इसको नए जो मैं फ़्लैट लगाता हूँ उनकी नज़र में आप उन उसकी नज़र से इस इनको उसको ना आप देखें तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये सेकंड हैंड है इसलिए इसकी प्राइस भी कम है और ये इसमें स्पेस भी है और पाँच मरल का है ये टोटल जो है ना इसमें ये तीसरा बेडरूम है इसमें भी ये डबल बेड इसी तरह से आपको फर्निश मिलेगा और ये इसमें ये सारी टोटल स्टोरेज दी हुई है और ये इसका वॉशरूम है और तीन वॉशरूम है तीन बेडरूम है अपनी मर्ज़ी से आप इसकी बाकी की जो पार्टीशन वगैरह वो आप कर सकते हैं तो अब आते हैं फाइनल इसकी प्राइस की तरफ तो फ्राइज़ इसकी है एक करोड़ बीस लाख ओनली तो ये रजिस्ट्री वाली जगह है और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स इसके ये वन ने क्लियर हम वीडियो भी उसी के बनाते हैं जो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ होती है क्लियर होती है हम चीज़ों की वीडियो नहीं बनाते और अगर किसी बंदे को पर मंथ के हिसाब से कोई चाहिए जगह चाहिए स्पेस चाहिए या कि वो रेंट पे रहना चाहिए दो दो दिन के लिए दो रात के लिए, रात के लिए चार रात के लिए वन वीक के लिए रहना चाहे तो हमसे ये दिए गए नंबर पे हम मेरे से वो राबता कर सकते हैं हम उनको उनकी राहश जो है वो प्रोवाइड करेंगे और मरी में सबसे सस्ती रहायश जो है वो आपको आपका भाई ज़फ़र इन ताला प्रोवाइड करेगा तो मेन हमारा ऑफ़िस जो है वो डी एच ए लाहौर में है डिफेंस में और ज़फ़र रियल स्टेट और एक सब ऑफ़िस हमारा इस्लामाबाद में और एक हमारा जो है ये सेटअप है मरी में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं तो आपको किराए पर बिजनेस के लिए अगर आप तीन चार पाँच फ्लैट लेना चाहें सालाना ठेके पे तो वो भी हम आपको देंगे तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हजूर पक सल्ला वसलम पे शरीफ का तोहफा जरूर भेजिएगा अल्लाह आपको खुश रखे असल